हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी आज। 1.4 अपन ने कंप्लीट कर ली, 1.5 क्या स्टार्ट करेंगे, 1.5। तो 1.4 में हमने क्या सीखा था? रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। आज हम पढ़ेंगे क्या? ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। तो देखो, ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का तो आप लोगों को मतलब होगा ना। रियल नंबर का मतलब है वो नंबर रेशनल और इरेशनल कोई भी हो सकते हैं ना। मैंने बताया हुआ है कि नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, टू टाइप के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। उसके बाद रियल नंबर भी टू टाइप के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। उसके बाद फिर रेशनल का अलग टाइप और इरेशनल का अलग टाइप हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की, तो हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे किसके, रेशनल और इरेशनल नंबर के। तो देखो, कुछ चीज़ें हैं जो 8th क्लास में पढ़ी, अब जो इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो आपके में पता नहीं थी या नहीं थी, मैं अभी बता देता हूँ। देखो, कुछ रूल होते हैं ना, जैसे एक होता है एसोसिएटिव और एक होता है कम्यूटेटिव, ठीक है। तो देखो, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ जो होते हैं ना, ये केवल एडिटिव यानी ऐड करने पर और मल्टीप्लाई करने पर ही क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। जैसे कोई भी दो नंबर है, हम सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं। देखो, जैसे a प्लस बी है, तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि अब b प्लस a क्या कर दो, तो ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। चाहे तो a प्लस बी कर लो, चाहो b प्लस a कर लो। जैसे देखो, कोई नंबर ले लेता हूँ मैं, या तो 3 प्लस 4 कर लो या 4 प्लस 3 कर लो, आंसर क्या आएगा, 7 इक्वल में 7। ऐसे ही मल्टीप्लाई है, देखो 3 इंटू 4 कर लो, चाहे 4 इंटू 3 कर लो, कितना आता है, 12 ही आता है, ठीक है। बट ये जो रूल है ये इनवर्स में और डिवाइड में नहीं अप्लाई होता। क्यों नहीं होता? देखो, जैसे हम 3 माइनस 4 है और इक्वल 4 माइनस 3, तो देखो यहाँ तो आता है माइनस 1 और यहाँ आता है 1, तो ये क्या इक्वल है, नहीं है। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये केवल किस पे लगता है, एडिशन पे और मल्टीप्लाई पे। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। तो देखो, एसोसिएटिव लॉ भी सेम ऐसे ही है, बस उसमें इसमें 2 थे, उसमें कितने होते हैं, 3 वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, अपने पास 3 नंबर हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो क्या कर दो, पहले ब्रैकेट लगा दो b प्लस सी पे, यानी b प्लस सी प्लस a इक्वल होगा किसके, a प्लस बी प्लस सी के। देखो, जैसे कोई भी नंबर ले लो, 2 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल 2 प्लस 4 प्लस 5, इन पे ब्रैकेट लगा दो और इन पे ब्रैकेट। तो देखो, पहले इन दोनों का सम करो, 9 प्लस 2 11, 6 प्लस 5 11, सेम है। ऐसे ही हम अब इसको मल्टीप्लाई पे चेक करते हैं। देखो, 2 इंटू 4 इंटू 5, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर 2 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो देखो, एसोसिएटिव लॉ देखो, ये हो जाएगा 20 प्लस 2 40, ये हो जाएगा 8, 8 इंटू 5 40, ये भी क्या हो गया 40। तो ये जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ हैं, है ना, वैसे तो इतने ज़्यादा यूज़ के हैं नहीं, हम सबको पता है, पर फिर भी हो सकता है आप लोगों ने, अब सिलेबस चेंज है तो ये 8th क्लास में आपके हैं या फिर नहीं है, तो मैं इसलिए इनको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। अब जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। तो देखो, ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर का मतलब है कि हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उनको, कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसके बारे में हम इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नॉर्मल संख्याओं की तरह हम इनको रियल, रेशनल और इरेशनल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट या डिवाइड नहीं करते, थोड़ा सा चेंज, ठीक है। तो देखो, जैसे हमको इसमें गिवन है 4 एग्जांपल, माइनस 6 प्लस 6। देखो, एक तो फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर किसी भी रेशनल या रेशनल रेशनल या इरेशनल इरेशनल नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें,
तो क्या आए ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम रेशनल और रेशनल का मल्टीप्लाई करें तो नंबर रेशनल ही हो, या रेशनल और इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करें तो नंबर इरेशनल ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखो 5 कैसा नंबर है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर। तो जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाता है क्या, 5, और 5 क्या होता है, एक रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो जाता है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो अपने पास यही लिखा गया है कि यू हैव लर्न इन अर्लियर क्लास दैट रेशनल नंबर सर्टिफाई द कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू रेशनल नंबर, वी स्टिल गेट ए रेशनल नंबर। That is rational number are close with the respect to additive, subtract, multiplication and additive. It turn out that irrational number also satisfy the commutative, associative and distributive law for additive and multiplicative. However, the sum of different quotient and product of irrational number are not always irrational. ठीक है, तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, 6 ऐसी 6 प्लस 6 का ले लो, 2 माइनस रूट 2 ले लो, 3 इंटू 3 ले लो, क्या हो जाएगा, 3, है ना। तो कोई भी इरेशनल नंबर का क्या कुछ भी ले लो, ये तो हमने किया था मल्टीप्लाई। देखो डिवाइड देख लो, जैसे चाहे इनका ही नंबर ले लो, चाहे क्या ले लो, रूट 17 अपॉन रूट 17 क्या होता है, 1। ये दोनों इरेशनल नंबर थे, ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, जैसे रूट 3 में से माइनस करो कितना, रूट 3 क्या आ जाएगा, 0। 0 भी एक कैसा नंबर है, रेशनल। और ये दोनों नंबर अपने पास कैसे थे, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो रेशनल नंबर तो सिंपल सा है, कौन से होते हैं, जिनको पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और इरेशनल नंबर मैंने सिंपल भाषा में बताया था कि जितने भी ऐसे नंबर हैं जिनमें खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और का डिवाइड नहीं जाता ना, उन सब पे अगर रूट लगा दें, क्या लगा दें, रूट, अंडर रूट लगा दें, तो वो सारे क्या बन जाते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17, रूट 29, है ना, ऐसे खूब सारे नंबर हैं। और जैसे पाई है ना, पाई 22 अपॉन 7, जिनका क्या ना हो, कोई भी सॉल्यूशन ना हो, यानी कि जब उनको हम क्या डेसिमल में चेंज करें तो जो आंसर हो वो कैसा आना चाहिए, नॉन डिटर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जिन भी नंबरों में नॉन रिपीटिंग, नॉन डिटर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो सारे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। तो अब हम सीखते हैं दो रेशनल और इरेशनल नंबर का, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, उससे पहले देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे हमें चेक करना है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है अपना 12, चेक 7 रूट 5, यह है एग्जाम्पल 12। सेवन अपॉन रूट 5, 2 प्लस, यह है रूट 2 प्लस 21, पाई माइनस 2, पाई माइनस 2 क्या है, आर इरेशनल नंबर और नॉट। हमें ये बताना है कि इरेशनल नंबर हैं या नहीं है। देखो सबसे पहले तो हम इन सब की वैल्यू लिखते हैं, इनको वैसे भी आप याद कर लेना, ये काम आएंगे। रूट 5 की जो वैल्यू है, अपने पास रूट 5 की वैल्यू होती है 2.2236 .. ऐसे ही अपने पास रूट 2 की वैल्यू होती है 141 .. चलती चलती जाती है ना। चाहो तो एक नंबर और इसमें लिख सकते हो, 141 नहीं, ये है 41 42 43, ऐसे आगे तक बढ़ती जाती है, 41 42 43, है ना। फिर उसके बाद है पाई, तो पाई की वैल्यू तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही निकाल के बताई थी, 3.14, है ना, 75 जो भी है, ये आगे तक चलती जाती है। और 22 में किसका डिवाइड दे लेना, 7 का डिवाइड दे देना ना, 1415। तो अब हमें इन नंबरों को बताना है कि ये क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं या
नहीं है। तो देखो वैसे तो है ना हम इनके बारे में डिटेल में हैं, जो सब कुछ किस में चेक करेंगे, जो टेंथ क्लास है ना उसमें हम और ज़्यादा इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि रूट टू इरेशनल नंबर है, क्यों है, वाई रूट टू, या फिर चेक रूट टू रेशनल और इरेशनल, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, टू प्लस रूट फाइव, है ना, या रूट टू प्लस रूट फाइव, ऐसे क्वेश्चन टेंथ में उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम इनको बस जितना आपके बुक में है उसके बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अब अपने पास है कितना, अपने पास है सेवन, सबसे पहले है सेवन रूट फाइव, कितना है सेवन रूट फाइव। तो देखो सेवन रूट फाइव है तो सेवन का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, रूट फाइव से, यानी कि 2.236 देखो मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ये तो हो जाएगा कितना, यहीं से इतना ही लिख दो केवल, ये होगा 15. देखो इससे मल्टीप्लाई करो, कैरी चार, कुछ ऐसे, और ये डॉट 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 मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी इरेशनल नंबर से हम क्या कर रहे हैं, किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो सेवन तो है कैसा, रेशनल, और ये कैसा है, इरेशनल। तो जब भी रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से क्या करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो हमेशा जो अपने पास नंबर आएगा वो कैसा आएगा, इरेशनल ही आएगा। कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। देखो दीज आल आर नॉन डिटर्मिनेटिंग, नॉन रिक्वायरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल, सो आल दीज आर इरेशनल नंबर। ये सब के सब कैसे होंगे, इरेशनल ही होंगे। देखो ये है सेवन अपॉन में रूट फाइव, देखो सेवन अपॉन में रूट फाइव। तो देखो जब भी रूट फाइव अगर क्या है, भाग में है ना, डिवाइड में है, तो हम क्या करते हैं, रूट जो नंबर है उसी से एक बार डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये अपने पास आ जाएगा सेवन रूट फाइव अपॉन में फाइव, ठीक है। तो देखो सेवन रूट फाइव अभी अभी हमने फाइंड किया, ये था, इसमें फाइव से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 3. ये कुछ आ जाएगा 316 डॉट 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 चलता ही जाएगा। तो ये भी कैसा आ गया, इरेशनल नंबर। सेम ऐसे ही है, देखो 21 में क्या ऐड कर दो, हमने इसकी वैल्यू लिखी थी ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगी तो 22.4142, और ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ऐसे ही पाई इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 1.1415 डॉट 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 डॉट, है ना। तो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर अगर है तो जो सॉल्यूशन होगा ना वो इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा, इरेशनल। बट दोनों अगर रेशनल हैं या दोनों इरेशनल हैं तो क्या कुछ भी हो सकता है ना, अगर दोनों इरेशनल हैं तो नंबर रेशनल भी उनका आंसर हो सकता है, और अगर दोनों रेशनल हैं तो वो इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यही था, अब हम करते हैं ऐड, क्या सीखते हैं, ऐड सीखते हैं दो इरेशनल नंबरों के, कि कैसे ऐड करते हैं, अच्छे से सीखना, बहुत काम में आने वाला है। देखो ऐड अपने पास है एग्जांपल 13, हमको ऐड करना है 2 + 2√2 + 5√3 एंड 2 − 3√2, यही है रूट टू। ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, क्या करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो देखो रूट टू वाला नंबर तो ऐड होगा किससे, रूट टू से, किससे ऐड होगा, रूट टू से, और रूट थ्री वाला नंबर होगा किससे, रूट थ्री से। क्वेश्चन सही है क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3√3 है, क्या है, 3√3। तो देखो रूट टू वाला नंबर ऐड होगा रूट टू से, रूट थ्री वाला रूट थ्री से। तो देखो अपने पास क्या है, 2√2 + √2, यहाँ है अपने पास +5√3, यहाँ है अपने पास -3√3।
ठीक है। तो देखो इन दोनों को और इन दोनों में से जो चीज कॉमन में आती है ना वो हम कॉमन ले लेते हैं। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, रूट टू कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया क्या, रूट टू। तो यहां तो बच गया रूट टू से कॉमन आ गया तो टू, और यहां बच गया अपने पास प्लस वन, ये हो गया प्लस। यहां से कॉमन आएगा रूट थ्री, क्या आएगा कॉमन, रूट थ्री, तो यहां बचेगा फाइव, यहां माइनस और यहां थ्री। ऐसे नहीं करता अपन को, ऐसे नहीं करना कि टू रूट टू प्लस रूट टू ये हो गया रूट टू रूट टू रूट टू फोर, है ना, रूट टू प्लस रूट टू कभी भी रूट फोर नहीं होते, टू रूट होते हैं, क्या होते हैं टू रूट। देखो याद रखना जब भी रूट टू प्लस रूट टू करोगे ना तो इनको कैसे लिखोगे, टू रूट टू। ऐसे ही रूट थ्री प्लस रूट थ्री करोगे तो हमें क्या लिखना होगा, टू रूट थ्री, या फिर ऐसे है टू रूट थ्री प्लस में रूट थ्री, तो क्या करोगे, हमें जो कॉमन आ रहा है ना वो कॉमन लेना है। तो जैसे यहां से हमने ले लिया रूट थ्री कॉमन, ये हो गया टू, ये हो गया प्लस वन, तो ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री। ऐसे करते हैं इनको सॉल्व। तो देखो अपन ने यहां से लिया टू कॉमन, तो ये तो हो गया टू प्लस वन थ्री, और ये है रूट टू प्लस फाइव माइनस थ्री, कितना हो गया टू, ये हो गया रूट थ्री। तो अपना आंसर कितना आ गया, थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री। अब इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, देखो थ्री कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना तो थ्री कॉमन आ रहा है यहाँ से, ना ही टू कॉमन आ रहा, क्योंकि ये टू रूट में है और ये रूट के बाहर है, ये थ्री बाहर है और ये थ्री रूट के अंदर है। तो अपना आंसर कितना आ गया, थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री। आ गई समझ में। तो देखो अगर ऐसे जैसे मैंने ये बताया, ऐसे ही अगर प्लस की जगह हमें क्या करना होता, माइनस। जैसे देखो मैं सिंपल बताता हूँ, दो छोटे छोटे लेते हैं, टू रूट थ्री माइनस फाइव रूट थ्री। पहली बात ये चेक करना कि रूट में जो नंबर है या फिर जो बाहर नंबर है वो सेम होना चाहिए, या तो देख ऐसा होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए था, टू रूट थ्री माइनस टू रूट फाइव, कोई एक नंबर कॉमन होता है ना तभी होता है। तो देखो यहाँ से तो हम रूट थ्री कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास आएगा टू माइनस, इसको ऐसा कर लेते हैं अपन, फाइव यहाँ कर लेते हैं, नहीं तो माइनस में वैल्यू आएगी, तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो देखो फाइव माइनस टू तो कितना हो जाएगा, थ्री रूट थ्री। सेम यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या, टू, क्या कॉमन लेंगे टू, तो अपने पास यहाँ बचेगा रूट थ्री माइनस के रूट फाइव। इस नंबर को हम ऐसे ही रहने देंगे, ऐसा नहीं है कि रूट थ्री में से रूट फाइव गए तो माइनस के रूट टू, है ना, ऐसे रूट फाइव माइनस रूट थ्री है ना, तो इसका आंसर माइनस के टू रूट नहीं होता, या फिर प्लस में ये तो प्लस के क्या नहीं होगा, रूट टू नहीं होगा। इस नंबर को हम कैसे ही नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, है ना, माइनस रूट फाइव में से माइनस रूट थ्री करेंगे तो माइनस रूट टू आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू तो अपने पास कितनी होती है, इसकी वैल्यू अभी अभी हमने लिखी थी, है ना, 2.24 कुछ होती है, और इसकी होती है 1.732, तो इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो कोई ज़रूरी है कि 1.14 और 15 ही आए, है ना, रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.1415, 3 की होती है 1.73, इसकी होती है 2. कुछ, ठीक है। तो याद रखना इनको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इनको हल करने का तरीका यह है कि हमें कॉमन लेना होता है, क्या लेना होता है कॉमन। अब है मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई, तो अपने पास है एग्जांपल 40, 6 रूट फाइव एंड 2 रूट फाइव, इनका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो देखो 6 रूट फाइव इंटू 2 रूट फाइव, तो मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, रूट वाले नंबर का रूट वाले नंबर से, और बिना रूट वाले नंबर के बिना रूट वाले से। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना हो गया 12,
अब है 5 √5 × √5, √5 × √5 कितना होता है 5, तो ये आ जाएगा 60। ये तो तुम्हें पता है ना, √2 × √2 कितना होता है भाई, प्लस में होते हैं ये √2 + √2 जब, तो हो जाते हैं 2√2, और √2 √2 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, क्योंकि देखो √2 × √2 √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल और आंसर आ जाता है 2। तो √2 का मल्टीप्लाई √2 से 2, √3 का √3 से तो 3, √4 का √4 से √5 का √5 से 5, तो रूट वाले नंबर का खुद से नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रूट हट जाता है, अपने पास आ गया इसका आंसर 60। अब हम करते हैं डिवाइड, तो डिवाइड भी ऐसे ही सेम मल्टीप्लाई से ही होता है। ये है एग्जांपल 14, डिवाइड भी ऐसे ही जैसे है 8√15 and 2√3 डिवाइड देना है, तो देखो 8√15 का डिवाइड 2√3, तो इस नंबर से तो इसमें डिवाइड दे दिया 4, √3 से इसमें दे देंगे कितना √5, तो अपने पास आ जाएगा 4√5, कितना आ गया 4√5। और देखो अगर ऐसे नंबर होता ये कि √8 में डिवाइड देना होता कितने का, √2 का, तो हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला रूट का नंबर है ना, इसका एक बार न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो ये तो हो जाता है कितना 8√2, और ये 2 और 2 कितना हो जाता 2, फिर इस 2 से इसको काट देते कितना आ जाता 4√2। ठीक, तो ये हो गया किसका, रियल नंबर का हमने ऐड करना मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीख लिया, ऐड और सबट्रैक्ट सेम ऐसे ही करते हैं ना। तो आज के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो होगा उसको समझाएंगे। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, और जो चीज़ अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना क्या समझ नहीं आया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगा। थैंक यू।